नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी एकदम मजे में होंगे जैसे कि मैं हूँ। एंड गाइज, आई नो यार, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मिल रहे हैं हम। काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद मैं एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेन रीज़न यही था, इतने टाइम से ये सब डिले होने का मेन रीज़न यही था, जो हम आज इस वीडियो में, इस व्लॉग में कंप्लीट कर देंगे। वो है मेरा गेमिंग सेटअप। क्योंकि आप सभी को मैंने एक बार लाइव आके इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मैंने एक अपना जो दूसरा चैनल था राजेश मीणा नाम से, जिसपे 5.5 लाख सब्सक्राइबर थे, उस पर मैंने अब कैटेगरी चेंज कर दी है। पहले टेक एंड एडिटिंग का था वो चैनल, अब मैंने उसको गेमिंग चैनल में कन्वर्ट कर दिया और पुरानी सारी वीडियोस मैंने डिलीट कर दी है, ठीक है। और उसी के लिए ये सारा सेटअप क्रिएट किया जा रहा था, जो कि अब हो चुका है क्रिएट। बाकी अब से यार पूरी कोशिश रहेगी रेगुलर व्लॉग्स डालने की, और जो सेकेंड चैनल है उस पर रेगुलर गेमिंग वीडियोज डालने की, मतलब ओवरऑल दोनों चैनल पर रेगुलर कंटेंट डालने की मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि सारा काम अब ऑलमोस्ट निपट चुका है, अब सिर्फ एक ही काम है, यही यूट्यूब वाला। उसके अलावा अगर आप इस साइड देखोगे ना, तो यहाँ पे भाई अभी रिसेंटली मेरे को अभी आज ही ये पैकेज रिसीव हुए हैं। इसमें एक्चुअली कुछ मैंने अमेजोन से सामान मंगवाया हुआ था, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैंने कभी यूज़ नहीं किए, लेकिन मेरे को सजेस्ट किया था कि यार ये यूज़ करो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको फेस पे। ये देखो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक दो पिंपल निकल आए हैं, और मतलब ठीक है, ओवरऑल स्किन उतनी बेकार भी नहीं है पर उतनी अच्छी भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी स्किन बन जाए इसके लिए ये सब प्रोडक्ट्स मंगवाए गए हैं। और अभी ये मैं बता देता हूँ यार, अभी पिछले 1-1.5 महीने से मैंने जिम स्टार्ट किया, उस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डाइट वगैरह में चेंजेस आए हैं, उस वजह से ये सब इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको सारी अपडेट रिसेंटली साथ के साथ उसी टाइम पे मिल रही थी, जो नहीं करते उनको मैंने अब बता दिया है। तो हो सके तो कोशिश करना इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, यूज़र नेम है मेरा यहीं कहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये देखो, सबसे पहले तो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है, एक तो बॉडी स्क्रब है, एक ये है अपना बॉडी पॉलिशिंग ऑयल, बाकी अपना एक स्कूप और ये है रोलर, फेस रोलर, फेस मसाज के काम आता है ये। तो ये पूरा एम कैफेन का पूरा एक ना कॉम्बो पैक आता है, ये आप अमेजोन से ले सकते हो, मैंने भी अमेजोन से लिया था, मैं लिंक डाल दूँगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लेना हो तो ले लेना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सामान है ये। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आई शीट है मेरे पास, और ये आई शीट्स काम आती है लाइक जो अपने डार्क सर्कल्स होते हैं और जो पफिनेस होती है ना इसमें, वो रिमूव करने के, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे तुम देखोगे तो एक अपना सामान है स्किन टोनर, ये फेस वॉश करने के बाद में यूज़ आता है, तो जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं ना वो सब को हेल्प करता है रिड्यूस करने में, बंद करने में। उसके अलावा ये टी ट्री ऑयल है, एसेंशियल ऑयल होता है ये काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये। उसके अलावा ये अपने लिप लाइटनिंग स्क्रब है, तो जिन लोगों के अगर रेड लिप्स ना हो या थोड़े ब्राउनिश टाइप लिप्स हो, ब्लैक टाइप लिप्स हो, वो यूज़ करना इस सामान को, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये। ये अपना एम कैफेन का ये कॉफ़ी फेस स्क्रब है, फेस वॉश है, ये अपना बॉडी स्क्रब है, और गार्नियर का ये फेस वॉश है। तो ये सब सामान मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि हाँ भाई आप इस ब्रांड का सामान ले लो, आप किसी भी ब्रांड का सामान ले लो, सारी ब्रांड अच्छी है। सामान मैंने आपको बताया कि क्या क्या सामान है और उनका क्या क्या यूज होता है, और ये सब ना मतलब मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, जेन्युइनली झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को ये सब मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तुम लोग जानते भी उसको, अगर तुम लोगों ने वीडियो देखी हो मेरी, काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कॉलिंग हॉन्टेड नंबर्स एट हॉन्टेड प्लेस एट 3 AM करके, ठीक है। तो उस वीडियो में तुमने, उसके दो पार्ट थे, पहली वीडियो वो जिसमें मैंने झूठ दिखाया था कि सच में किसी ने कॉल पिक करी है, उसमें उस जो मेरी फ्रेंड है उसने मेरी हेल्प करी थी, और जो उससे नेक्स्ट वीडियो थी रिवील करने वाली, उसमें मैंने प्रॉपर वीडियो कॉल करके और वही सारी वॉइस वगैरह उसको निकालने के लिए कहा था जो आप लोगों ने देखी थी। सो वो एक्चुअली क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखती है इन सब चीज़ों का, जो भी ये ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सब का, और मेकअप वगैरह इन सब का उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। इनफैक्ट उसका खुद का यूट्यूब चैनल भी है नैना जोशी नाम से, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम्हें देखना हो तो देख लेना। अभी थोड़ा सा ब्रेक उसने ले रखा, लेकिन अभी रिसेंटली काफ़ी सारा कंटेंट वो ड्रॉप करने वाली है, जिसके टॉपिक्स मैंने पता किए थे, बहुत ऑसम टॉपिक्स है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा देख के। सो उसी ने ये सब सजेस्ट किया था मुझे, और जेन्युइनली मैंने इससे पहले भी उससे सजेशन लेके काफ़ी सारे सामान यूज़ किए हैं, और जेन्युइनली काफ़ी मतलब जो होती है ना एकदम बेस्ट सजेशन, वो वाली सजेशंस मेरे को मिली थी वहाँ से, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले थे, इसलिए उसके सजेशन पे ये सारे सामान लिए मैंने। लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में इन सभी सामान का, जो भी आपको लेना हो ले लेना। हाँ जी, तो निकल चुके हैं भाई हम घर से, और अभी हमने जाना है वजीरपुर नाम की जगह पर, यहीं पर दिल्ली में एक जगह है वजीरपुर, और वहीं पे एक शॉप है क्रक्स कंप्यूटर नाम से, उनके पास हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमने लेने हैं कुछ प्रोडक्ट्स अभी बाकी है, जैसे अपना प्रोसेसर हो गया,
और हार्ड डिस्क होगी, ये दो सामान उनसे लेने हैं, प्लस सारा जो भी सिस्टम है ना वो वहीं से बिल्ड करवाना है। बाकी ये देख लो, ये मेरा जिम ट्रेनर है ये मेरे को ट्रेनिंग देता है जिम में दे बॉडी दिखा भाई, बॉडी दिखा कपड़े उतार के आगे अरे नहीं, वैसे ये मेरा दोस्त है, जब मैंने जिम शुरू करी थी अभी एक डेढ़ महीने पहले, तब स्टार्टिंग में इसी ने मेरे को सारी हेल्प करी थी, एक्सरसाइज वगैरह क्या सारा इसी ने समझाया था। बाकी ट्रेनर भी है जिम में, दो ट्रेनर है, वो बंदे भी बढ़िया, वो भी हेल्प करते हैं काफी इस मामले में। तो आज फिर इसको लेके चल रहे हैं अपन। नाम बता ब्रो अपना। हाँ भाई, गौरव खत्री अपना, जाके इंस्टा पे चेक कर लिया ओ भाई ये तो डायरेक्ट प्रमोशन कर रहा है क्या यूजर नेम है तेरी इंस्टा आईडी का? खत्री साहब HR08 खत्री साहब 08 स्पेलिंग बता। चल कोई नहीं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम लिंक चेक कर लेना। बाकी ठीक है, ये भाई को तुमने देखा होगा आज फर्स्ट टाइम व्लॉग में, बाकी देखेंगे आगे जैसे जैसे माहौल बनता रहेगा, हो सकता है ये साथ में कभी हॉन्टेड व्लॉग बनाने भी चलेगा अपने। और कितनी दूर रह गए हम? आधे घंटे का रास्ता बचा भाई, आधा घंटा फिलहाल आज देखा जाए तो उतना जाम है नहीं दिल्ली में जितना हमेशा होता है। हाँ जी, तो जैसा आपको बताया था कि वजीरपुर में अपना क्रक्स कंप्यूटर्स नाम से शॉप है, वहाँ पे हम आए हुए थे और उन्होंने स्पेशली एक अरेंज करवाया ये ऑफिस ताकि हम प्रॉपरली शूट कर सके और कोई डिस्टरबेंस ना हो किसी तरीके की। एंड ये अपने भाई है पुरुषोत्तम जी, ये हमारा पूरा का पूरा पीसी असेंबल करके देंगे क्योंकि अपने को इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये एक्सपर्ट खिलाड़ी है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, एक बात बताओ कि ये जो अपना पीसी है, जो अपने कंपोनेंट्स है ये सारे जी, कैसे है ये? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सिस्टम बनेगा क्या है? फाड़ू सिस्टम बनेगा। फाड़ू सिस्टम बनेगा, अरे क्या बात है। यार मैं बस अभी अभी पीसी बिल्ड करवा के घर पहुंचा हूं और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूं जिम जाने के लिए। पीसी हमारा बिल्ड हो चुका है, ये रहा पीछे पूरा पीसी पड़ा हुआ है और ये सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूं, वरना मैं आपको अभी तसल्ली से सारा सेटअप दिखा देता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैंने वीडियो बनाई है ना, तुम्हें दिखाऊंगा जरूर। 2000 years later. So, आ चुका हूँ गाइज मैं जिम से वापस। पहले मैंने सोचा था थोड़ा सा शूट करूंगा जिम के अंदर का भी, लेकिन बहुत ज्यादा रश था जिम में। अच्छी बात है यार, सब लोग अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हो रखे हैं। मैंने तो अभी एक डेढ़ महीने पहले ही चालू करा है, लेकिन लोग जेन्युइनली काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। खैर कोई बात नहीं, फाइनली अब वो मोमेंट आ गया है जब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना सेटअप, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था, और अब जाके तुम्हें दिख रहा होगा। वैसे शीशे में शायद थोड़ा थोड़ा दिख गया होगा, मेरी नज़र नहीं हट रही है इससे, इतना बढ़िया लग रहा है मेरे को ये। तो ये देखो भाई, ये है अपना सेटअप और ये है हमारा गेमिंग पीसी। देख के तुम्हें अंदाज़ा लग रहा होगा कितना ज़बरदस्त, कितना ब्यूटीफुल, कितना ओसम पीसी है। कंपोनेंट्स इसके सारे के सारे ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये जो स्क्रीन है LG की, ये पहले से ली हुई थी, ये पहले से रखी हुई थी। ये वूफर, ये स्पीकर, ये भी पहले से रखे हुए थे। ये मैकेनिकल कीबोर्ड है RGB वाले मोटो स्पीड के। ये माउस है, ये भी फुली ARGB वाला है। ये नीचे मैंने ये रखा हुआ है, इसका थोड़ा सा सॉफ्ट ना, थोड़ी बेटर ग्रिप दे रहा है। बाद में मैं इसको माउस पैड को चेंज कर दूंगा अभी काम चलाने के लिए, आज रात के लिए ये मैंने रख दिया। सो अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की, राइट? तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे जो हमारे पीसी के अंदर लगे हुए हैं। सबसे ऊपर सबसे छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं, जो सबसे छोटा है साइज में। ये हमारे पास XPG की रैम है, स्पेक्ट्रिक्स D60G 16GB की रैम लगाई है मैंने इसमें। बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो 16GB की एक और रैम लगा देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त रैम है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है अंदर पीसी में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, सामने दिख रहा है कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और RGB कितना प्यारा लुक क्रिएट कर रहा है इस रैम से, है ना?
तो इस वजह से मैंने ये वाली रैम परचेज करी थी। काफ़ी प्यारी रैम है, काफ़ी बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस मानी जाती है। अडाटा ब्रांड की तरफ से आती है ये XPG, और यही सेम इसी ब्रांड की हमने ले रखी है SSD 512 GB, ये भी फुली ARGB है। स्पेक्ट्रिक्स X40G इसका नाम है, और ये दोनों प्रोडक्ट एक ही ब्रांड के हैं। इनफैक्ट इसी ब्रांड का मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे नीचे रखा हुआ है ये पावर सप्लाई, इसका नाम है पाइलन 750 ब्रॉन्ज, बहुत ही अल्टीमेट पावर सप्लाई है, आपके पूरे के पूरे PC को ना बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करती है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हमने लगाया इसमें राइजन 550 600X। मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर इस टाइम पे भी, बहुत जबरदस्त प्रोसेसर है। करंटली इसकी प्राइस चल रही है 26-27 हज़ार के आसपास की, और इन दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइस थोड़ी थोड़ी वेरी होती रहती है, इसलिए देख लेना आप नेट पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा प्रॉपरली, तो एकदम एग्जैक्ट प्राइस का आपको आइडिया हो जाएगा इन सारे प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इसका तो मुझे मालूम है, इसकी तो एग्जैक्ट 26-27 हज़ार की प्राइस चल रही है मार्केट में। उसके अलावा ये हमारे हेडफोन्स है वायरलेस, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा ऑडियो टेक्निका के ATH M50X BT। ये देखते हैं भाई, गेमिंग के लिए मैं सोच रहा हूँ इनको यूज करूँ, क्योंकि ये वायरलेस है, बहुत ऑसम है। इनकी प्राइस भी 18-19 हज़ार रुपये की है, तो ये मेरे को काफ़ी प्यारी इसकी साउंड क्वालिटी लगी है, इस वजह से देखूंगा अगर बनेगी बात तो इसको यूज़ करेंगे गेमिंग में। उसके अलावा AIO की बात करी जाए तो AIO मैंने बहुत ही बढ़िया ब्रांड का बहुत ही ज़बरदस्त AIO उठाया है, और ये बहुत ही अल्टीमेट AIO है। इसकी डिटेल की वीडियो, बिल्कुल डिटेल में प्रॉपर रिव्यू वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर डली हुई है, जिस पे गेमिंग करनी है हमने, ये सारा सेटअप उसी चैनल के लिए है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वो चैनल पर चेकआउट करना, बहुत ही प्रॉपर बहुत ही प्यारी डिटेल के साथ में वीडियो बनाई है, और ये बहुत ही बेस्ट AIO है। आप आँख बंद करके उसको उठा सकते हो अगर आप अपना गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हो तो, बजट रेंज में सबसे प्रीमियम सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है ये IO आपको। इसके बाद बात करी जाए तो ये हमारा मेन सिस्टम, मेन चीज हमारा ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड है जोटेक की तरफ से आने वाला 3060 Ti, बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक कार्ड है, गेमिंग के मामले में वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। इससे ऊपर वाले जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो बहुत कम बंदे यूज़ करते हैं, गेमिंग के लिए ये वाला ग्राफिक कार्ड मेरे हिसाब से बेस्ट है, और हमने अपनी सबसे बेस्ट चीज़ उठाई है। जिनसे मैंने परचेज किया है उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छी डील दी थी इस पर, इनफैक्ट उनकी रेट भी काफ़ी रीजनेबल है, तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डायरेक्टली उनके पास की वेबसाइट से, आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से बाय कर लेना, काफ़ी रीजनेबल रेट पर आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। और यार जोटेक का ग्राफिक कार्ड 3060 Ti, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं तो मदरबोर्ड की, यार मदरबोर्ड आपका जेन्युइनली बहुत अच्छा होना चाहिए तभी बात बनेगी, और इसलिए मैंने मदरबोर्ड चूज किया था एजरो का B550 टाइची रेजर एडिशन। ये बहुत ही अल्टीमेट मदरबोर्ड है, बहुत ही ऑसम मदरबोर्ड है, लाइक ये ऐसा मदरबोर्ड है जो अगर आपने ले लिया ना तो आपका ये मान लो फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। इसमें हर चीज़ आपको एडवांस लेवल पे मिलती है, इनफैक्ट इसकी लुक, इसकी परफॉर्मेंस, इसके पास जो पोर्ट्स हैं, सब कुछ ये आपको टॉप क्लास और बहुत ज़्यादा मिलता है। एजरो का B550 टाइचर रेजर एडिशन, अगर थोड़ा सा ठीक बजट हो आपका इसको उठा लेना, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इनफैक्ट जिनसे मैं सिस्टम बिल्ड करवा रहा था उन्होंने भी मेरे को पर्सनली बोला कि ये जो मदरबोर्ड आपने लिया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपने लिया है और आपको बहुत हेल्पफुल चीज़ होगी ये फ्यूचर में। ठीक है, और राइजन 5000 तक आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्टेबल है, 3000 4000 5000 आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी भी डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो मैंने मेरे दूसरे चैनल पर डालनी है, देख लेना उस चैनल पर जाकर, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी, बाकी मैंने शॉर्ट में बता दिया है। इसकी प्राइस आती है 32 33 34, इसके आसपास इसकी प्राइस है, बहुत ऑसम है ये। अच्छा, मैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में तो आपको बताना भूल ही गया, जो सबसे मेन सबसे बढ़िया सबसे प्यारा कंपोनेंट है, तो ये है हमारा कैबिनेट। कैबिनेट हमारा बहुत ही प्यारा है, ये एनटेक ब्रांड की तरफ से आता है, NX800 इसका मॉडल नंबर है, और इसको मैं सबसे मेन और सबसे प्यारा कंपोनेंट इसलिए बोलता हूं क्योंकि यार यही वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारे को एक ओवरऑल प्यारा लुक मिलता है हमारे PC का। हमने अंदर चाहे कैसे भी कंपोनेंट्स लगाए हो कोई मतलब नहीं है, अगर हमारी फर्स्ट लुक, हमारा कैबिनेट अगर हमारा खराब है तो फिर वो हमारा जेन्युइनली खराब ही लगेगी चीज, है ना। बाकी आप वैसे देखोगे तो ये देखो जो दो सामने ARGB फैंस है और वो जो पीछे वाला ARGB फैन है वो इसके अंदर इसके साथ ही आता है इनबिल्ट, और ये देखो कितने प्यारे फैंस है, कितने बड़े फैंस है, तो और इस साइड में पूरा टेम्पर्ड ग्लास है ताकि आपको प्यारा लुक मिल सके, बहुत अच्छे तरीके से एयर फ्लो के लिए भी जगह मैनेज की गई है। बाकी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो कितने सारे आपको ये पोर्ट्स मिल जाते हैं ऑन ऑफ करने का, रीसेट करने का, ये RGB लाइट्स चेंज करने का, ये देखो
ठीक है, इस तरीके से आरजीबी लाइट्स भी चेंज हो जाती है, पोर्ट्स दिए हुए आपको, हेडफोन माइक जैक वगैरह दिए हुए हैं, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपोनेंट है, इसलिए मैंने इसकी भी एक स्पेसिफिकली रिव्यू वीडियो बनाई थी डेडिकेटेड, वो देखनी हो तो वो भी देख लेना, वो भी मेरे उसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे हमारे जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कौन कौन से कंपोनेंट्स मैंने यूज़ करे, इनमें से कुछ कंपोनेंट्स की मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई अपने दूसरे चैनल पे, इस चैनल पे तो डेडिकेटेड वीडियो में डाल नहीं सकता ना, लेकिन आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स उठाए हैं, इतने हैवी प्रोडक्ट्स, इतने हैवी कंपोनेंट्स मैंने लिए, इनकी मार्केट प्राइस मैं बता देता हूँ आज की डेट में, एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता पाऊँगा क्योंकि ग्राफिक कार्ड की प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप डाउन चलती रहती है, बाकी कंपोनेंट्स की भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है, एक मोटा मोटा एक बजट बता देता हूँ, जो एट प्रेजेंट करंट मार्केट में इनकी प्राइस है वो अराउंड 190 के आसपास है, 190,000 के आसपास इनकी प्राइस है, और आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि अगर मैं अपना इतना इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ एक पीसी के अंदर, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को लेकर सीरियस हूँ, राइट, और मैं उस चीज़ को लेकर कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तभी मैंने ये इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतनी मेहनत करी है रिसर्च करने में कि कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने सबसे बेस्ट कंपोनेंट उठाए हैं, सबसे लाइक जो मेरा बजट है उस बजट के हिसाब से सबसे बेस्ट कंपोनेंट उठाए हैं, और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े लो बजट वाले बंदे भी उठा सकते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बेहतर है, ठीक है। सो ओवरऑल लुक तो आप देख ही रहे हो कितनी प्यारी हमारे सेटअप की, बहुत ही सिंपल सेटअप है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फैंसी नहीं है, इसको हटा दो तो पूरा सिंपल सेटअप है, लेकिन अच्छा सेटअप लगता है मेरे को ये। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा प्लान है कि मैं इसको वूफर को और स्पीकर्स को नीचे पुट कर दूं, ठीक है, या फिर स्पीकर तो रखे रहेंगे, वूफर को नीचे रख दूं, और यहां पर मैं एक और छोटी स्क्रीन लगा लूं ताकि जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूं तो दूसरी स्क्रीन में मैं अपना OBS चला सकूं, इसमें तो हम अपनी गेमिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा सोचा है मैंने, करूंगा मैं जल्दी ही, एक वेबकैम भी लेने का प्लान है, वेबकैम एक अच्छे वाला लगा देंगे ताकि कोई बसूड़ी ना हो, पीछे यहाँ पर अपनी ग्रीन स्क्रीन रख लेंगे, ठीक है, और एकदम परफेक्ट हो जाएगा काम, फिलहाल भी एकदम परफेक्ट है, रेडी हूँ मैं गेमिंग के लिए, कोई इशू नहीं है। सो यार दैट्स इट गाइज, ये था हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, और पूरा पीसी बिल्ड हो चुका है, पूरा सिस्टम हमारा बिल्ड हो चुका है, अब सिर्फ इतना कहूँगा कि जितने भी कंपोनेंट्स की लिंक है ना, इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, कोई भी खरीदना हो तो आप खरीद लेना, जो सबसे जेन्युइन सबसे बेस्ट सबसे रीजनेबल प्राइस में जहाँ से मिल रही होगी वहाँ से मैं लिंक निकाल के आपको डाल के दूंगा ताकि कोई परेशानी ना हो आपको। बाकी मेरे दूसरे चैनल को सपोर्ट करो यार, ठीक है, क्योंकि जैसे इस चैनल पर प्यार दिया वैसा ही प्यार वहाँ भी चाहिए, अपने ही लिए मांगने में शर्म आ रही है। खैर कोई बात नहीं, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, अगर ऐसी वीडियो और देखनी हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, एंड अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।